हुकूमत के पास कोई सोच और कोई प्लान नहीं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और अब तहरीक इंसाफ की बारी आएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ के पीटीआई सरकार पर वार, बोले ईवान में अपोजिशन को करप्ट साबित किया गया, अगर अदालत ने फैसला करना है तो आपको तनकीद करना छोड़नी पड़ेगी। जितनी बिलावल जरदारी साहब की उम्र है उतना तो शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है, उन्हें पता है कि जब पिछले 5 साल उनकी पार्टी और उनके ख़ानदान जो है उसकी सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा था, तो आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब इस तरह जनाब अपने हाथ अपने बगलों में दे के दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। अब जब बिलावल जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब और उनका पूरा टब्बर जाली टीटियाँ, जाली अकाउंट्स और अरबों खरबों डॉलर्स की करप्शन में फंस गए हैं, तो अब वो उनकी हेल्प लेने के लिए और इनका कंधा इस्तेमाल करने के लिए आए ना। बिलावल जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब पे एतमाद करने को तैयार है नून लीग पे, और ना नून लीग और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी और आले जरदारी के ऊपर एतमाद करने को तैयार है। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो चस्का पड़ गया है कि चलो इन दोनों पार्टियों को इस्तेमाल करके दोबारा कोई लॉन्ग मार्च, दोबारा कोई तहरीक, दोबारा कोई जनाब कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए कि जिसमें उनको कम अज़ कम करोड़ों रुपये का जो है वो फ़ायदा मिल जाए।